ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण एंड वेलकम एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर भगवद गीता का। तो सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? शेयर किए यस जाओ। आई एम नॉट एबल टू हेयर एनीबडी, सॉरी। सबको यस आ रहा है? प्रभुजी, ओके यस ग्रेट, प्रभुजी, एक्सलेंट। यस यू आर ऑडिबल। ऑल राइट ग्रेट। तो हम स्टार्ट करेंगे 3.1 से, थर्ड चैप्टर फर्स्ट श्लोक। अर्जुन वाचा। अर्जुन अर्जुन वाचा जायसी चेत कर्मनस्ते। जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर् जनार्दना। मता बुद्धिर् जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम्। तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशवा। नियोजयसि केशवा। ओके ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? आई कैन रीड प्रभुजी। हाँ प्लीज गो अहेड। अर्जुन सेड, ओ जनार्दना, ओ केशवा, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitative work? Purport, should I read purport also? Please. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of the material grief, and the path of realization has been recommended, Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secular place where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secular place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained Karma Yoga or work in Krishna consciousness in the third chapter. Okay, thank you. Thank you very much for reading. Okay. तो हम थर्ड चैप्टर का पहला श्लोक कर रहे हैं। आप लोगों से किसने गार्डनिंग की हुई है यहाँ पे? कोई है जिसने गार्डनिंग, जिसके हॉबी हो गार्डनिंग, या जिसने करी है कभी, अच्छी लगती है? कोई है यहाँ पे? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो गार्डनिंग का एक एस्पेक्ट होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने पड़ता है कि कौन से आपके पौधे हैं और कौन से वीड्स हैं, है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ जी। तो ये जो वीड्स हैं जो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, इसमें कई बार बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार पता नहीं लगता क्या है वीड्स, क्या नहीं है, कैसे उसको रिमूव करें, तो बड़ी सारी कंफ्यूजन आ जाती है जब ट्रेनिंग नहीं होती। जब माली के पास ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से पौधे हैं, कौन से वीड्स है कि नहीं। तो आइडेंटिफाई करने भी अपने में एक साइंस है। विद एक्सपीरियंस, विद नॉलेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्जुन भी इस कंफ्यूजन में है कि कौन से वीड्स हैं और कौन से प्लांट्स हैं, मतलब कि उसको युद्ध करना है या नहीं युद्ध करना, क्या करना है इन दोनों में से। हमारी लाइफ में कई बार ऐसी दुविधा हो जाती है सिचुएशन में, कि एक सिचुएशन
चूज करें या दूसरी चूज करें या तीसरी चूज करें, समझ में नहीं आता। और सारी सिचुएशंस जो हैं उसके आउटकम से लगता है, अरे अगर ये सही चॉइस है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये गलत चॉइस हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वन आफ्टर द अदर ऐसे सारी चॉइसेस आती हैं। तो यहाँ पे भी वो स्किलफुली आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहा है, क्योंकि उसको युद्ध नहीं करना, तो वो आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहा है कि कैसे युद्ध ना करना सही आइडिया है। मतलब कि युद्ध ना करना इज आर प्लांट, ये वीड नहीं है, ये मेंटालिटी। और कृष्णा उसको समझा रहे हैं, पिछले सेक्शन में उन्होंने समझाया कि कैसे शांति, पीस, कई सारे श्लोका में देखा ना पीछे, आप लोगों को याद है किस श्लोका में कृष्ण बोला था पीस के बारे में? कौन बताएगा? हाँ आप बताओगे किस श्लोका में बोला था पीस के बारे में? कौन बोलेगा? और 270 क्या बोला था 270 में? खोल लेते हैं तब दिखेगा। Actually, there are a couple of places, Krishna, दो श्लोक में Krishna ने second chapter में अभी बोला peace के बारे में, ठीक है? Yes. तो एक तो हो गया 71 में बोला, person who has given up all desire for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace, शांति। शांति किसको मिल सकती है? ऐसे बताया, ठीक है? और पीछे वाले भी श्लोक में कृष्ण ने बोला था। और जब कृष्ण ये सब बातें बोल रहे हैं, जैसे ये 66 में भी कृष्ण ने बोला, one who is not connected with the supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor steady mind, without which there is no possibility of peace, शांति नहीं हो सकती। और शांति happiness कैसे होगी अगर शांति नहीं होगी? तो अब शांति, जनरली स्पीकिंग लोगों को लगता है शांति मतलब युद्ध नहीं करना, राइट? शांति का मतलब तो युद्ध ना करना हुआ, और कृष्ण शांति के बारे में बोल रहे हैं। तो अर्जुन का क्वेश्चन था कि एक तरफ तो आप मुझे कह रहे हो कि शांति लेनी है, तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब तो ये है कि मेरे को युद्ध नहीं करना होगा ना। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है, लोग सोचते हैं कि ये भगवद गीता पढ़ना और ये स्पिरिचुअल लाइफ में लेना, इसका मतलब ये है कि इनएक्टिव, मतलब किसी काम के नहीं हो तो ये कर लो आप, ठीक है ना? जो पूरे जिंदगी में जैसे कुछ कहीं करियर में नहीं फंसा वो जाके मंदिर में घंटा बजाएगा, मतलब और किसी कोई काम नहीं बचा उसके लिए। तो ऐसी मेंटालिटी होती लोग के भक्ति मतलब एक जगह भजन करना या जप करना, ये तो बस यूजलेस है, ऐसा सोचते हैं लोग, क्योंकि उनको पता नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और रीजन ये भी है कि जनरली इस चीज में जो इंगेज होते हैं सुपरफिशियली, जो एक्चुअल में इस चीज का प्रोसेस समझते नहीं है, इसका एक्चुअल पालन नहीं करते और सुपरफिशियली करते हैं, वो भी इसका नाम बदनाम कर देते हैं। जैसे कई सारे आप देखोगे डॉक्टर्स हैं जो कि ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्वैक्स हैं, वो डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन वो ढोंगी डॉक्टर बन के अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं और उसके आगे ना डिग्री भी लगा दी, कोई PCDO कुछ भी डिग्री, लोगों को लगे बेवकूफ बनाने के लिए, और अपने आप बन जाते हैं डॉक्टर। तो ऐसे ढोंगी डॉक्टर के को देख देख के कोई ये कंक्लूड कर सकता है, अरे यार सारे डॉक्टर बेकार है, क्योंकि मैंने तो कोई भी अच्छा नहीं देखा। आपने अच्छा नहीं देखा क्योंकि आप सिर्फ ढोंगियों को ही देख रहे हो। आप अगर अच्छे डॉक्टर को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ देखो कितने लोगों को बचा रहे हैं ये, कितना समाज में वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छे एग्जांपल्स भी होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन सोच रहा था कि वो किसी एक जगह बैठ के आराम से बस युद्ध वगैरह से जुदा होके आराम से बैठ के कहीं मेडिटेट करे या ज्ञान ले या अपनी आपको एंगेज करे किसी एक्टिविटी में, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, लेकिन युद्ध ना करे। भाई कृष्णा ने तो बोला नहीं, आपके लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी युद्ध करना है, युद्ध करना स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो उस तरह से जैसे कई लोग गलत सोचते हैं कि ये, एक सेकेंड,
सॉरी अबाउट दैट. तो कई लोग गलत तरीके से इस चीज को प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे क्वैक्स होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में ट्रेंड नहीं होते और फिर भी वो ढोंगी दिखाते हैं अपने आप को. उसी तरह से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो साधु का वेश ढाल लेते हैं और वो दिखाने के लिए करते हैं. और कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते तो हैं कि हम दिखावा नहीं कर रहे और पूरे दिन वो चैंटिंग करेंगे, पूरे दिन वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगेंगे, लेकिन एक्चुअली अंदर से उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं जा रहा. अंदर से वो कहते हैं ना, वो मुंह में राम और बगल में कौन पूरा करेगा, मुंह में राम और बगल में छुरी. यस. तो कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोसेस को ठीक से समझ नहीं पाते, पूरा फॉलो नहीं कर पाते और उस चक्कर में क्या करते हैं, गलतियां करते हैं. वो दिखाने के लिए कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, दिमाग उनका कहीं और है और वो उल्टी से उल्टी चीजें सोच रहे हैं, कर रहे हैं. और साथ में अगर इस स्थिति में इंसान सीरियस और सिंसियर होगा तो वो मानेगा कि देखो भाई मैं तो ठीक से नहीं कर पा रहा, भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मैं ठीक से नहीं कर पा रहा, मुझे ठीक से करवाइए. तो ये सिंसियर व्यक्ति है. लेकिन कुछ व्यक्ति जो है वो ऐसे सिंसियर नहीं होंगे, वो करेंगे और उल्टी उल्टी बातें जो है उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि कैसे हमने जो किया वो सही किया. और ऐसे लोगों के इंप्रेशन की वजह से जो पूरा प्रोसेस है ये, वो कई बार बदनाम हो जाता है. जैसे कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी मेडिकल फील्ड बदनाम हो जाती है. तो यहाँ पे प्रभुपाद जो कह रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से समझना चाहिए. क्या कह रहे हैं वो, कृष्णा कॉन्शियस, यहाँ पे कह रहे हैं, या मैं हाईलाइट करता हूँ पहले. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. तो कई लोग सोचते हैं कि हम withdraw करते हैं अपनी जो responsibilities हैं उन सब से, छोड़ते हैं हम और हम किसी ऐसे एकांत स्थान में जाएंगे, वहां पे करेंगे. मगर एक्चुअली होता क्या है, जब ऐसे किसी स्थान में जाते हैं तो उनका दिमाग जो होता है वो भौतिक वस्तुओं में ही जाता है, मटीरियलिस्टिक चीजों में ही जाता है. तो इवन दो एक्सटर्नली वो उन्होंने अपनी सिचुएशन चेंज कर ली, बट इंटरनली उनकी कॉन्शियसनेस अभी चेंज नहीं हुई. बट विदाउट बीइंग ट्रेन्ड इन द फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा इन अ सेक्लूडेड प्लेस. इसलिए जब तक आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तब तक आप सेक्लूडेड प्लेस में जाके नहीं कर सकते हो. इसलिए हर चीज के लिए ट्रेनिंग चाहिए. जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि एक माली के लिए भी जो है उसको ट्रेन होना चाहिए कि क्या वीड है और क्या प्लांट है, तभी वो वीड निकाल पाएगा. उसी तरह से एक व्यक्ति को ट्रेनिंग होनी चाहिए पहले कि कैसे माइंड को कंट्रोल करके इंगेज करना है भगवान की सेवा में, फिर वो अच्छे से कर सकता है. तो एकांत में जाके अगर कोई सोचे कि हाँ हम बहुत स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे तो ऐसा हो नहीं पाता. कई लोग ऐसे अपने आप को शो जरूर करते हैं ताकि लोग उनको ग्लोरीफाई करें, अरे देखो ये कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं एकांत में और साधना कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनका माइंड कहीं फोकस नहीं होता, उनका कहीं ध्यान मटीरियलिस्टिक चीजों में ही होता है और इससे चीप एडोरेशन हो जाती है. लोग आके उनको भगवान कहते हैं या उनको बहुत बड़ा महात्मा कहते हैं और ऐसे उनकी पूजा प्रतिष्ठा में लगते हैं. तो ये चीज जो है ये बड़ा गलत मिसअंडरस्टूड तरीका है. तो ऐसे चीज से बचने के लिए कृष्णा उसको इनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को कि ऐसी चीज में मत फंसना. अर्जुन आल्सो थॉट बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस और बुद्धि योग और इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल लाइफ एडवांसमेंट नॉलेज समथिंग लाइक. तो अर्जुन ये भी सोच रहा था कि ये कोई रिटायरमेंट की बात है भाई, रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफ and the practice and penance of austerity secluded. तो मैं इसलिए ये रिटायर होके अपना अकेले जाके बैठ के करता हूँ. लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो इसलिए भी आ रही थी क्योंकि वो पीस की बात कह रहे थे कृष्णा. तो उसको लग रहा था कि यार एक तरफ तो आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हो और एक आप मुझे पीस में डाल रहे हो, और फिर आपने मुझे बोला कि फ्रुटिव वर्क में नहीं फंसना, क्योंकि बोला ना निष्काम कर्म से बच के रहो और बुद्धि से काम करो, बुद्धि योग से. तो ये सब चीजों से अर्जुन के मन में काफी डाउट आ रहे हैं कि बुद्धि योगा मतलब फिर युद्ध क्यों करना फिर, और फ्रूटिव रिजल्ट्स जो हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन आप कह रहे फ्रूटिव रिजल्ट्स के चक्कर में मत पड़ो.
फिर क्यों युद्ध करें? तो अंजना के मन में ये सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसने ये क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं लास्ट सेक्शन में पोपट के, in other words he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse, but as a sincere student he placed the matter before his master and questioned Krishna. Ab doubt to kisi ke man mein bhi aa sakte hain, hamare man mein bhi aa sakte hain, galtiyan kisi se bhi ho sakti hain, hai ki nahi? Aur galti hone pe hame approach karna chahiye aise vyakti ko jo hame spiritually sahi guide kar sake, sahi रास्ते पे ला सके। और इसने अर्जुन ने ये परफेक्ट चीज की, कृष्णा के पास आया और कृष्णा से गाइडेंस ली, और कृष्णा यहाँ पे जो सेक्शन है अब भगवद गीता का वो चेंज हो जाएगा और कृष्णा बताएंगे कर्म, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, कि कैसे भगवान के लिए आप कर्म कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि ये सोचो कि बिना कर्म के ही आप भगवान को लोगे पाओगे, नहीं, एक्चुअली बिना कर्म के तो आप भगवान को नहीं पा सकते। तो ये जो प्रोसेस है कर्म योगा का वो यहाँ पे बताया गया। तो अलग अलग योगा प्रोसेसेस भगवान ने बताए भगवद गीता में, और उसमें से ये जो कर्म योगा का प्रोसेस है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं उसे भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्म योगा का मतलब ये नहीं है कि बस अपना जो हम रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है हमारी वो कर्म योगा हो गया, नहीं, वो तो कर्म हुआ। योगा मीन्स जो स्पेसिफिक एक्शन हमें भगवान से कनेक्ट कराएं, वो है, चाहे वो कर्म के जरिए कराएं, चाहे वो ज्ञान नॉलेज के जरिए करवाएं, चाहे अष्टांग अलग अलग मेडिटेशन और पोस्चर्स के जरिए कराएं, या फिर वो सारी जो भी जरूरत है उस तरीके से कराएं, ऑल द अबव। और बुद्धि योगा या भक्ति योगा में सब कुछ आ जाता है। भक्ति योगा में आप कर्म भी करते हो, भक्ति योगा में आप ज्ञान के प्राप्ति भी करते हो, भक्ति योगा में आप मेडिटेट भी करते हो। तो भक्ति योगा इंक्लूड्स एवरीथिंग इन फुलेस्ट। भक्ति योगा मींस भगवान से प्यार होना। बाकी सब योगा का प्रोसेस ये है कि अभी हमें भगवान से प्यार नहीं हुआ, अभी हमें कर्म से प्यार है, तो कर्म के थ्रू हम भगवान से प्यार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान योगा में मतलब ज्ञान, उसको नॉलेज लेने से बहुत प्यार है, तो उसके थ्रू वो भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अष्टांग योगा में उसको अलग प्रोसेसेस करने से लगाव है, और उसके थ्रू वो भगवान की तरफ जा रहा है। किसी का भी डायरेक्ट प्यार नहीं है भगवान से। भक्ति योगा मीन्स ये सारे प्रोसेस करोगे आप, लेकिन आपका गोल है भगवान, जो भगवान के लिए चाहिए होगा, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट इज व्हाट आई विल डू। जैसे हनुमान जी को जब जो स्थिति थी उस हिसाब से उन्होंने कार्य किया। कभी देखोगे आप हनुमान जी भी मेडिटेट करते हैं बैठ के, क्यों? क्योंकि भगवान में कनेक्ट कर रहे हैं। और जब कोई सेवा आती है तो वो सेवा भी करते हैं, ये नहीं कहते कि भाई अब उनको बोला कि भाई जाके लेके आनी है संजीवनी बूटी, तो वो कहे नहीं नहीं अभी मेरे राउंड्स बाकी हैं, भाई मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं। जो नीड ऑफ द आवर है वो करना, ये भक्ति योगा। समझ में आ गया सबको? और भक्ति योगा का एक एस्पेक्ट हो गया कि कर्म को यूटिलाइज करना भगवान की सेवा में जब नीड है उसकी। तो वो यहाँ पे अब हम एलैबोरेटली देखेंगे थर्ड चैप्टर में। चले नेक्स्ट श्लोक में। हरे कृष्णा। I want to ask one small question. In purport, it is in the sentence which we discuss, it is mentioned misunderstood to be inertia. उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब कि ज्यादा जैसे जिंदगी चल रही है, इनर्शिया होता है ना फिजिक्स में, आप देखते हो कि सेम तरीके से चलते जाना, जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से, मतलब कि आप काम करने के लिए की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो, आप सोच रहे हो ऐसे ही रिलैक्स होके बैठा रहूं मैं, ठीक है ना। आप देखो कि कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति करना है, भगवान के उसमें जाना है, उसको लोग लाइटली लेते हैं, वो सोचते हैं कि कोई, इसका मतलब है कोई भी काम ना करना, बट वो बिल्कुल गलत है। कोई भी काम ना करना थोड़ी होता है उसका मतलब। अर्जुन हनुमान ये सब तो क्लासिक एग्जांपल हैं जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं, तो ये कोई वेले थोड़ी बैठे हुए, कितने सेवा में लगे, है कि नहीं? तो दिस इज नॉट इनर्शिया। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब भक्ति, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? राशिका, यू आर सेइंग समथिंग?
she was saying to me. भैया, I was like, इसका मतलब ये यही हुआ ना जो आपने example दिया कि भक्ति भी और भक्ति तो करो लेकिन जब कर्म करना हो तब कर्म करो. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है इसका मतलब. जब हाँ, कर्म कर थोड़ा... हाँ, मैं फिर से समझाता हूँ. जब आप भक्ति कर रहे हो तो आप कर्म करोगे उस तरीके का जो भगवान के लिए फेवरेबल है. ये इंक्लूसिव होता है भक्ति योगा. भक्ति योगा कभी आप छोड़ते नहीं हो. भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपने कर्म नहीं कर रहे. जब अर्जुन ने फाइट करी तो वो भक्ति योगा है, क्योंकि अर्जुन वॉज रेडी टू डू एनी थिंग विच वॉज द नीड ऑफ द आवर. जो स्पिरिचुअली चाहिए था उसने वो किया. ये होता है भक्ति योग. उसमें कर्म भी होता है, उसमें बाकी चीजें भी होती है, सारी चीजें. लेकिन अगर आप कर्म से अटैच्ड हो सिर्फ, और आप कर्म एक पर्टिकुलर करना चाहते हो क्योंकि उसमें आपकी रुचि है, आप पे इंटरेस्ट है. जैसे मान लो किसी का इंटरेस्ट ही है पैसे कमाने में, किसी का इंटरेस्ट है, उसको यही अच्छा लगता है, तो उसको भगवान से इतना लगाव अभी नहीं है. लेकिन वो जो भी पैसे कमाता है वो भगवान की सेवा में लगाता है सारा. कहता है नहीं, मैं ये पूरे भगवान की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट है. तो ये हो गया एक तरह से कर्म योगा के स्टेज पे, कि उसको कर्म से बहुत इंटरेस्ट है और अभी वो भगवान की सेवा. ये थोड़ा आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे सबके डिफरेंसेस, बट पॉइंट ये है कि भक्ति योगा मींस यू लव कृष्णा एंड एनीथिंग नीडेड यू विल डू. जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे से प्यार करती है, तो बच्चे के लिए वो कुछ भी करेगी, ठीक है ना, जो भी बच्चे को चाहिए होगा. तो ये हो गया एक तरह से भगवान से जो प्यार करता है उसके भक्ति योगा. और एक हो गया कि नहीं, एक पर्टिकुलर एक्शन से प्यार है, जैसे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी उसको अच्छी लगती है और वो वही करता है और वो उसको भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वो हो गया कर्मयोग. कर्म योगा में कर्म सेंटर पे है, भक्ति योगा में कृष्णा सेंटर है. बस ये फर्क. ओके. चाहे सेम एक्टिविटी हो, चाहे सेम एक्टिविटी हो. अर्जुन युद्ध कर रहा है, युद्ध करने के लिए अगर उसको युद्ध से प्यार होता और वो सेंटर बना के वो चलेगा तो वो कर्म योगा है. लेकिन अगर वो कृष्णा को सेंटर बना के युद्ध करता है कि कृष्णा चाहते हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस होगी. लेकिन कर्म दोनों में होता है, बट डिफरेंस ये होता है. भक्ति योगा में हम लोग मतलब कृष्णा को करते हैं, और कर्म योगा में कर्म पहले कृष्णा को रखते हैं, कर्म योगा में अपना काम करने के बाद वो कृष्णा को देते हैं. एग्जैक्टली. कर्म योगा में सेकेंडरी है कृष्णा को देना, और कर्म में एंगेज होना जरूरी है. कर्म योगा, योगा मींस कनेक्शन. तो भगवान से जो कनेक्शन है वो कर्म योगा में भी होता है कि भगवान के साथ कनेक्ट होना है हमें. लेकिन बट वो सेकेंडरी, वो सेकेंड आ जाता है. भक्ति योगा में प्राइमरी चीज होती है, जैसे एक माँ है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी. उसको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्सपर्ट कुक होंगी या मैं एक्सपर्ट नहलाने वाली होंगी या मैं एक्सपर्ट प्यार करने वाली हूँ, ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती उसको. उसको बस प्यार है अपने बच्चे से, और उस चक्कर में वो हर चीज करेगी बच्चे के लिए. तो ये हो गया भक्ति, कि कृष्णा से प्यार है और जो भी चीज है वो हम करेंगे कृष्णा के लिए. और कोई एक स्पेशलिस्ट आप कुक बनाते हो, वो कुक क्या करता है, वो उसको कुक में कुकिंग में इंटरेस्ट है, और वो ला के देता है आपके बेटे को गिफ्ट, ये लो जी ये आपके लिए. तो उसने एक तरह से भगवान की सेवा में अपनी कुकिंग लगाई, मतलब बच्चे की सेवा में लगाई इस एग्जांपल में, लेकिन वो कुकिंग में उसका इंटरेस्ट है मेनली. समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी भैया. तो दोनों केसेस में, हाँ दोनों केसेस में कर तो आप वही काम रहे हो, माँ भी कुकिंग कर रही है और वो कुक भी कुकिंग कर रहा है. लेकिन कुक को इंटरेस्ट कुकिंग में है और माँ को इंटरेस्ट बच्चे में है. उसी तरह से भक्ति योगा मीन्स फोकस इज कृष्णा, और कर्म योगा मीन्स के कर्मा हमें करना अच्छा लगता है, और क्योंकि हमें योगा करनी है, भगवान से कनेक्ट करना है उसको, इसलिए हम तो कर्म योगा भी बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म होता है. ऐसा नहीं कि कर्म योगा कोई बहुत लोअर लेवल का प्लेटफॉर्म है, नहीं, बहुत एडवांस्ड है कर्म योगा. मगर भक्ति योगा जिसमें कृष्णा को सेंटर बना के आप प्यार कर रहे हो, वो तो फिर टॉप मोस्ट हो गया ना, उसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता. हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी. लेकिन क्योंकि ये सिमिलर चीजें हैं, भगवान से कनेक्ट करने की हैं, इसलिए कई बारी ये वर्ड्स थोड़े इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं. मगर जिस कॉन्टेक्स्ट में है, थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को हम अलग लग के यहाँ पे फोकस करेंगे कि कृष्णा क्या बोल रहे हैं अर्जुन से, और क्या कनेक्शन, क्या बातें हो रही हैं, और प्रभुपाद पर्पट में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो हम थोड़ा सा इसमें जाएंगे, राधर देन बींग वेरी टेक्निकल, ठीक है ना? हाँ जी.
चलो वेरी गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सबको क्लियर हो गया लग रहा है, आगे चलेंगे। थर्ड चैप्टर श्लोक सेकंड कर रहे हैं अब हम। प्लीज आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहाय शिव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ओके। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? मैं पढूं? यस प्रभु जी। ओके गो गो अहेड माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा, माय इंटेलिजेंस इज बेवेल्डर्ड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस, देयरफॉर प्लीज टेल मी डिसिसिवली व्हिच विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। पर इन द प्रीवियस चैप्टर as a prelude to the Bhagavad Gita, my many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of senses by intelligence, work without furtive desires, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna would not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? अर्जुन बोल रहा है कि अब मेरे को तो बिल्कुल मेरी इंटेलिजेंस जो है ना वो पूरी कंफ्यूज हो चुकी है, बिविल्डर हो गई है आपकी एक जैसी इंस्ट्रक्शन से। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो पीस में रहो, फिर आप कह रहे हो युद्ध करो, निष्काम भावना से कर्म करना है, और फिर भी युद्ध करूं मैं निष्काम होके भी, मतलब क्या है ये सर? प्लीज आप मुझे डिसाइसिवली बताओगे क्या करना है। तो एक्चुअली भगवान भगवद्गीता के सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी उन्होंने ना जो मेन चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, अलग अलग योगा सिस्टम है, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन वो अभी इतने सिस्टमैटिकली और इतने क्लियर तरीके से नहीं हुए कि अर्जुन को पूरी तरह से कन्विक्शन आ जाए। अब अर्जुन को ये तो सब चीजें पहले से पता है एक्चुअली, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में योग माया के प्रभाव से उसकी कंफ्यूजन हो गई है। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि अर्जुन के थ्रू ये भगवद गीता हम सबको मिली जा सके, ठीक है ना। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों कन्फ्यूज करा दिया वहां पे? इसलिए करवा दिया ताकि अर्जुन को वो बताएंगे, उसके कारण इतने सारे लोगों का भला हो सके आने वाले कई कई मिलेनिया तक। तो इसलिए भगवान ने भगवद गीता का ये सेटअप स्टेज किया कि भाई इस स्थिति में भगवान बोलेंगे भगवद गीता। और सेकंड चैप्टर में उन्होंने ऑलरेडी एक तरह से समरी दे दी, और अब अर्जुन जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाएगा उसके थ्रू बाकी लोगों के लिए क्लियर होती जाएगी प्रोसेस। तो यहाँ पे अब अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे डिसाइसिवली बताओ। तो यहाँ पे पर्पट में बता रहे हैं प्रभुपाद के कई सारे अलग अलग पाथ भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी बता दिए। सांख्य योग, बुद्धि योग, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, निष्काम कर्मी योगा, तो ये सब चीजें बता दी। और ये भी बता दिया कि कर्म कांडा जो बिल्कुल नियोफाइट नए लोगों के लिए है, लेकिन ये थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में नहीं, थोड़ा अनसिस्टमैटिकली बताया। तो इसलिए अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गया। और अब आने वाले सेक्शंस में अलग अलग टॉपिक को इन डिटेल कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे अर्जुन को, और अर्जुन के थ्रू हम सब समझ सकते हैं। और इस सब के लिए जो जो स्टूडेंट्स हैं भगवद गीता के वो सीरियसली इसका फायदा उठा सकते हैं और समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है?
हाँ जी ओके किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट या कोई पॉइंट ओके तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट भी कर लेते हैं 3.3 पे श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाचा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानघा पूरा प्रोक्ता मयानघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम ओके कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन मैं पढूं प्रभु जी हां प्लीज ट्रांसलेशन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड ओ सिनलेस अर्जुना I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. Okay, so yahan pe ruk jate hain. To yahan pe Krishna do tarike ke log bata rahe hain jo bhagwan se connect hone ke liye spiritual path mein aate hain. Unme se ek to ho gaye जो के जिनको ज्ञान जिनको फिलोसॉफिकल माइंड जगलरी इनसे वर्ड जगलरी और माइंड को एक्सरसाइज करने से अच्छा लगता है तो वो क्या करते हैं वो ज्ञान वो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं और एक है जिनको भगवान से प्यार होता है वो डिवोशनल सर्विस के पाथ पे जाते हैं तो ये दो अलग अलग लोगों का बताया है ट्रांसेंडेंटलिस्ट का जो कि भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब पर्पट में पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा पर्पट Should I read? Yeah, please. In the second chapter, verse 39, the Lord explained two kinds of procedures, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddhi Yoga. In this verse, the Lord explained more Sankhya Yoga is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class of men work in Krishna consciousness as it is explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained also in the 39th verse that by working by the principles of Buddhi Yoga, or Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action. Okay. And furthermore, there is no flaw in the process. Excellent. तो अब यहाँ पे एक मिनट stop करते हैं. तो हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या है. तो सबसे पहले second chapter 39th श्लोका से एकदम से जो है कहानी में twist आ गया. क्या twist आया? कौन बताएगा? क्या बोला था 39th में भगवान ने 39th से पहले पहले भगवान बता रहे थे ना उसको कि कैसे आप ये करोगे तो आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप युद्ध करोगे तो भी एंजॉयमेंट है अगर आप जीतोगे तो स्वर्ग तो अर्थ में एंजॉय करोगे हारोगे तो उधर जाओगे तो ऐसे वो फ्रूटिव रिजल्ट्स के हिसाब से बोल रहे थे एनालिसिस करके सांख्य योगा के हिसाब से अलग अलग तरीके और फिर उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन अब मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जो निष्काम कर्म योगा के हिसाब से ठीक है ना तो वो कर्म योगा के हिसाब से बताया फिर उन्होंने और फिर साथ में बुद्धि योगा के हिसाब से भी बताया तो ये अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स बताए भगवान ने ठीक है ना और फिर यहां बताया The Lord explains the same more clearly in this verse. अब यहाँ पे clearly बता रहे हैं दो अलग अलग category, एक philosophical speculation और एक devotional service. अब सांख्य योगा जो analytical study है matter और spirit की, ठीक है ना? उसको पढ़ने वाले वो speculate भी करते हैं, वो थोड़ा सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, क्या है? उनको थोड़ा exercise करने में मजा आता है speculate करने में. और उनको सीधी तरीके से आप चीज दे दो तो मजा नहीं आता उनको. उनको थोड़ा jumbled up करके
शास्त्र में दिए जाती है. कई कई कृष्णा भी अभी यूज करेंगे कई ऐसी बातें जो लगेगी अरे ये तो बड़ा पोएटिक वे में कृष्णा ने कुछ बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ. तो वो कृष्णा और उपनिषद, कई उपनिषद में भी ऐसे दी होती है सीधी सीधी चीज नहीं, थोड़ी सी ट्विस्ट करके, क्योंकि ऐसे लोगों को थोड़ा उसमें ज्यादा मजा आता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिंपल, उनको क्या चाहिए, उनको भगवान के साथ प्रेम करना है, भगवान के साथ. जैसे एक मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि एक मदर अपने बच्चे को प्यार जो है वो सैक्रिफाइस नहीं करती, उसी तरह से भगवान के साथ प्यार ऐसे ही होता है, उससे भी प्योर होता है. कोई इतना प्योर होता नहीं है और कोई प्यार. कहीं पर भी आप देखो तो कोई ना कोई एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी होती है प्यार में. लेकिन एक माँ का प्यार अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, वो सबसे ज्यादा प्योर के क्लोज आ सकता है. तो यहाँ बताया 61st वर्स का एग्जांपल दिया. तो 61st वर्स जो सेकंड चैप्टर का है उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, स्थित प्रज्ञा के बारे में बोल रहे थे. 2.54 में उसने पूछा था ना कि जो परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो कैसा है. तो 61 में भगवान ने कंट्रोल ऑफ सेंसेस के बारे में बोला था कि कैसे कंट्रोल करके अपना माइंड फिक्स जो रखता है वो मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस होता है, वैसे भगवान ने बोला. तो ये एग्जांपल हो रहा है टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति का एग्जांपल आ रहा है. और 39th verse, Lord has explained also in the 39th verse that by working in the principles of buddhi yoga, Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action. तो उन्होंने बोला ना कि कैसे आप अगर कैसे आप इस प्रोसेस को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को आप फॉलो करोगे तो आपको बॉन्डेज नहीं होगी, आप उससे मुक्त होके जा सकते हो. तो ये अलग अलग पॉइंट्स जरा सटल वे में कृष्णा ने बोले हैं. इनके ऊपर पूरे श्लोक आने वाले चैप्टर्स में आएंगे कई सारे जो बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. फिर उसके बाद 61st वर्स में बुद्धि योगा इज डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द सुप्रीम. यहाँ पे बता रहे ना माता जी आप, कैन यू प्लीज कंटिन्यू रीडिंग नीलमा जी. The same principle is more clearly explained in the 61st verse that this buddhi yoga is to depend entirely on the supreme, or more specifically on Krishna, and in this way all the senses can be brought under control very easily. Therefore both the yogas are interdependent as religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. Okay, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो ये सब दोनों processes जो बता रहे हैं ये interrelated हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अलग है. जैसे एक होता है आपको philosophy पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कृष्ण consciousness follow कर रहे हैं तो हमारे को अच्छे से ज्ञान ही नहीं होगा भगवद गीता का. नहीं नहीं, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए भगवद गीता की, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए साइंस की, मगर इस ट्रेनिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी. जैसे आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, आपको मंदिर के अंदर जो भगवान के साथ प्रैक्टिकल प्रोसेसेस होते हैं कनेक्ट करने के, ऑफरिंग करना, आरती करना, उनकी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की जो रियलाइजेशन होता है उनका और जो एक्सपीरियंस होता है वो भी लेना पड़ेगा. अगर हम दोनों चीजें नहीं करेंगे तो वो इनकम्प्लीट सा रह जाएगा. जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट, कि बस सेंटिमेंटली किसी ने कुछ मान लिया वो करने लग गए, कोई बेसिस नहीं है आपकी, फिलोसफी नहीं है. लेकिन अगर आपकी फिलोसफी है तो वो सही रहता है. तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी जस्ट एक सेंटिमेंटलिज्म है, और कई बार फेनाटिसिज्म भी हो सकता है. फेनाटिसिज्म मींस ये जो इतने सारे टेररिस्ट भी हो जाते हैं वो कहते नहीं हमारा ही सही है बस, उनके आप फिलोसफिकल डिबेट करो कि कैसे भाई क्या है आपका प्रोसेस. वो फिलोसफिकल डिबेट तो अगर आपके साथ करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा अगर हम डिबेट में हार गए तो आपका गला काटेंगे हम, ये होती है उनके साथ फिलोसफिकल डिबेट, क्योंकि वो फनाटिक है. उनका ये है कि माइन इज राइट, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है. और अगर कोई फिलोसफी में ही चल जाए और वो रिलीजन को बिल्कुल ही
हटा दे तो वो मेंटल स्पेकुलेशन है, मेंटली स्पेकुलेट करते रहेंगे कि ये होता होगा, वो होता होगा, ऐसे होता होगा, उनको कोई प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं मिलती, भगवान से के साथ कोई कनेक्शन नहीं आता उनको अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए 9 चैप्टर में भी भगवान ये बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है कि आप बस फिलोसफी बता दो, नहीं ये प्रैक्टिकल है। कितने सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं भगवद गीता के, और उससे क्या होता है उनको एक रस मिलता है, एक टेस्ट मिलता है, एक प्लेजर मिलता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू कर पाते हैं। अदरवाइज कोई कंटिन्यू करें नहीं करेगा, सिर्फ अगर थियोरेटिकली हो, जैसे हम कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं थियोरेटिकली, उनसे कोई हमारे को प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं होती, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे नहीं होते कि हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस हो गया कैलकुलस पढ़ के या फिजिक्स पढ़ के। वो सब तो सिर्फ एक जस्ट एक मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहते हैं, लेकिन सोल के लेवल पे आके जो एक्सटैटिक फीलिंग है वो नहीं दे सकते, ठीक है ना? ओके, आंटी कैन यू कंटिन्यू रीडिंग प्लीज। The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are sincerely searching after the absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in the Bhagavad Gita. The whole process is to understand the real position of the self in relation to the super self. The indirect process is philosophical speculation, by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness. And the other process is directly connecting everything with Krishna in Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by a philosophical process. Krishna consciousness is itself the purifying process, and by the direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. Okay, thank you for reading. तो इन दोनों processes में practically क्या फर्क होता है? Empirical, philosophical speculation और devotional services में क्या फर्क होता है? इसमें ये फर्क होता है कि empirical, philosophical speculation में इंसान philosophy के ऊपर समझने में लगता है और प्रैक्टिकली भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होता और अलग अलग तरह की तपस्याएं करता है कि जैसे मौन व्रत रखेंगे, वो कहेंगे खाना नहीं है पूरे दिन, फास्टिंग करेंगे कई कई दिन, जमीन पे सोएंगे, और कई बारी ऐसे भी हो सकता है कि वो शेव ना करें, बाल बड़े बड़े रखें, ऐसे अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस हो जाते हैं उनके। लेकिन जो डिवोशनल सर्विस है, अच्छा हाँ, और दूसरी चीज, वो ऐसे घरों में नहीं रहते, उनको बाहर रहना पड़ता है, जंगल वगैरह में जाके या दूसरी जगह। लेकिन जो डिवोशनल सर्विस है वो बड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको फास्टिंग करनी है कई दिन तक, नहीं, आप अच्छा ले सकते हो लेकिन आप भगवान को सेंटर बना के, भगवान को ऑफर करके चीज ले सकते हो। आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है जंगल में, आप घर में भी रह सकते हो और फिर भी कर सकते हो अपनी जॉब प्रोफेशन, जैसे अर्जुन ने किया उस तरीके से कर सकते हो। और जितने भी प्रोसेसेस हम फॉलो कर रहे हैं उससे क्या होगा, सेंसेस प्यूरिफाई होंगी और कंट्रोल होगा। अगर आप दूसरा फिलोसफिकल स्पेकुलेशन का प्रोसेस लोगे तो उसमें आपके सेंसेस जो हैं उनको आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा पूरी तरीके से, आप इंगेज नहीं कर सकते किसी चीज, तो ये इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है, डिफिकल्ट भी हो जाता है और इतना प्लीजिंग भी नहीं है भगवान को। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो ईजियर है, वो प्लीजिंग है भगवान को और वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है आज के डे, आज के युग में, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सबको? थोड़ा सा यह टेक्निकल चीजें आ रही है बस, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। कुछ कुछ चीजें मैं ठीक से अगर नहीं बता पा रहा तो उसको जस्ट बी पेशेंट, आने वाले टाइम में आपको और क्लियर होंगी। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इस वक्त, ठीक है ना? प्रभुजी क्वेश्चन। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, संस्कृत टू हिंदी आते आते, मतलब संस्कृत टू इंग्लिश आते आते, हाउ डज कर्म योग बिकेम प्रोसेस ऑफ डिवोशन? ओह, आपने मिस कर दिया, हमने पहले इतना डिस्कस किया इस बारे में। तो हम ये बोल रहे थे कि कर्म योगा और भक्ति योगा में डिफरेंसेस हैं सटल,
मगर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम सिचुएशन कई बार वो इंटरचेंजेबली भी वर्ड यूज होते हैं क्योंकि बोथ आर कनेक्टिंग विद गॉड, ठीक है ना, दोनों की चीज, दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो भगवान से कनेक्शन बिठाने के लिए। कर्म योगा में भी आप वही कर रहे हो, भक्ति योगा में भी आप वही कर रहे हो। फर्क क्या हो जाता है कि कर्म योगा में कर्म से अट्रैक्शन है आपका, और भक्ति योगा में भगवान इज द सेंटर, भगवान से अट्रैक्शन है आपका। तो जो प्रोसेसेस है उसको सिंपल करके बेसिक पॉइंट में लाने के लिए प्रभुपाद ने बड़ी जगह पर्पट में एक्सप्लेन किया गया है, बुद्धि होगा या भक्ति होगा उसको इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोग मेन प्रोसेस से डिविएट ना हो। क्योंकि आजकल कलयुग में हम इतनी ज्यादा लोग फिलोसफी में और उसमें टाइम नहीं दे पाते कि अच्छे से ट्रेन हो पाए भगवदगीता के लिए। अब देखो हमारे इसमें 50 लोगों ने शुरू किया था ज्वाइन करना, अभी सेकेंड चैप्टर तक 18 लोग हो गए हैं और क्लास के शुरू में होते हैं 6 लोग, ठीक है ना, हम वेट करते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट। तो लोग क्या है, इतना लोगों के पास टाइम भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है। तो प्रभुपाद वांट टू मेक श्योर कि जो एसेंस है भगवदगीता का वो कहीं कोई मिस ना कर जाए, इसलिए प्रभुपाद कीप एम्फसाइजिंग द पॉइंट योर डिवोशनल सर्विस और भक्ति योगा से कनेक्शन। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसलेशन एज इज मतलब जैसे प्रभुपाद ने लिखी है उसको फॉलो करें, जो कृष्णा ने बोला उसको फॉलो नहीं करें? नहीं, दोनों। You have to understand the Bhagavad Gita on the whole. Krishna ने जो कहा है Bhagavad Gita को उसको partially लेके मत follow करो आप। आप पूरी Bhagavad Gita को समझ के clean होके फिर follow करो। Don't be like Bhagavatam में तो कई जगह Hiranyakashyap ने भी चीजें बोली हैं जो सही है, आप Bhagavatam में से Hiranyakashyap को थोड़ी quote करोगे, है ना? You have to see the right thing. You have to see the essence and then understand it. तो essence of Bhagavad Gita तो कितने chapters में आपको पता ही है, devotional service 11th chapter में Krishna बोलते हैं, 10th चैप्टर में बोलते हैं, 18th चैप्टर में बोलते हैं, देयर आर रिपीटेड वर्सेस, भक्त्यामा अभिजानाति यमन्यश्चास्मि तत्ततः, देयर आर इन्यूमरेबल वर्सेस। तो डोंट डाइल्यूट द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। कहने का ये मतलब था कि इज वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइक इज इक्विवेलेंट टू कर्म योगा। व्हाई नॉट, यस, कर्म योगा का प्रोसेस जो है वो भगवान से कनेक्ट करा रहा है ना, हमें भगवान से कनेक्शन बिठाना है कि नहीं? हाँ जी। तो फिर so that's why I'm saying don't be too technical and misunderstand the essence here. यहाँ पे प्रभुपाद is making sure कि we are anchored to the conclusion of Bhagavad Gita. Otherwise हम इधर उधर हो जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ जी बाबू जी। वैसे मैंने सुना था आपका वो वाला पहले, मैंने बहुत देर पहले क्लास ज्वाइन करी थी। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। बाबू जी, आई जस्ट हैड अ कमेंट। प्लीज, यू कैन शेयर। सो द वे आई अंडरस्टैंड लाइक समटाइम्स related to what Bharati Mataji asked, sometimes it is given as a criticism in Bhagavad Gita as it is that Prabhupada is talking about Krishna consciousness in almost every purport, even though Krishna is not talking about that in translation. The way I have come to understand this after listening to several lectures from you and other devotees is that Krishna consciousness is basically the practical application of Bhagavad Gita. So in each purport, Prabhupada mentions Krishna consciousness so that one not only just understands what Krishna is saying, but also understands how to apply this in our daily life. And Krishna consciousness is the whole process that comprises of everything. Sense control, devotion, understanding the knowledge, association of devotees, it comprises of everything. So that is why he keeps reinforcing about that in every, almost every purport. That's how I've understood. Just wanted to share that thought. Yes, Mataji, thank you. And that is in conclusion with Krishna. Aisa nahi hai ki Krishna kuch bol rahe hain aur yahan pe kuch aur likha. Nahi. Krishna jo bol rahe hain puri Bhagavad Gita mein, usme ek point ko leke koi side track na ho jaye, isliye Prabhupada ne anchor kiya usko 18.66 se ya 11.55 se ya 10.8, 9, 10, 11 से। तो बेसिकली जो
कृष्णा बोल रहे हैं उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में भी हम समझें वो इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इस वजह से यूज करी है. दैट इज ओके, दैट इज द रीजन वी आर ट्रेनिंग पीपल टू अंडरस्टैंड भगवद गीता एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड द फ्लो कि क्या चल रहा है. बट उस टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने के चक्कर में लोग बिल्कुल डिविएट होके कंक्लूजन को मिसअंडरस्टैंड कर ले, वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि हमारे कितने लोग रहेंगे 18वें चैप्टर के एंड तक ये हमें पता नहीं अभी, ठीक है ना. मैं जैसे बता रहा था कि कई लोग आए 50 लोगों से स्टार्ट हुआ, हम अभी सेकंड चैप्टर के एंड में 6 लोग हो जाते हैं. तो वो जो लोग बाकी चले गए जो अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कम से कम उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कंक्लूजन क्या है भगवद गीता. तो उसे कंक्लूजन से एंकर करने के लिए प्रभुपाद ऑलवेज ब्रिंग्स इट बैक एंड टेल इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. तो ये स्ट्रेटेजी है. बट दैट डज नॉट मीन दैट वी फॉरगेट के कृष्णा क्या कह रहे हैं. प्रभुपाद इज वेरी वेरी सी, सेकंड चैप्टर में कितनी जगह प्रभुपाद ने बताया है कि बुद्धि योगा भक्ति योगा, राइट. बट सेकंड चैप्टर के लास्ट श्लोक में प्रभुपाद ने क्या बोला है यहाँ पे, आप लोगों में से जिन जिन ने पढ़ा है ये बता सकते हो आप क्या बोला है प्रभुपाद ने यहाँ पे. प्रभुपाद ने बोला है ये इन द सेकेंड चैप्टर कर्म योगा एंड ज्ञान योगा हैव बीन क्लियरली डिस्कस्ड एंड अ ग्लिम्स ऑफ भक्ति योगा हैज बीन गिवन. तो एक ग्लिम्स दिया है सर भक्ति योगा का. हालांकि अगर आप पढ़ देखोगे तो कई जगह प्रभुपाद ने यूज किया है भक्ति योगा बुद्धि योगा. क्यों? क्योंकि उसको समझाने के लिए कि आप उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में, समझ में आ रहा है. तो प्रभुपाद ऑब्वियसली नोज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, ही हैज रेड ऑल द आचार्यस, राइट. समझ में आ रही है सबको. प्रभुपाद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्लियर है कि ही इज राइटिंग फॉर दोज हु आर न्यू, हु आर जस्ट कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस वेस्टर्न वर्ल्ड में, और जिनको ट्रेनिंग चाहिए एसेंस में कि प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे अप्लाई किया जाए उनके लिए. तो हम आजकल सब ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहां पे हमारे को प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी टीचिंग, जैसे नताशा माता जी ने बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके साथ कनेक्ट. अदरवाइज बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तो फिर कुछ नहीं. ठीक है ना. I have a question here. Yes. I have come across so many people who are somehow averse to saying Krishna consciousness. They say that God is one. Why not God consciousness? Why only Krishna consciousness? And because of that, they refuse to come to ISKCON meetings or lectures. Because they say God is one. वहां तो सिर्फ कृष्णा कृष्णा होता है, क्यों नहीं हम भगवान की बात करते हैं? हमारे लिए राम भी उतने ही बड़े भगवान है, हमारे लिए शिव भी उतने ही बड़े भगवान है. So, how do we counter that? So, this is a very good question. So, people have this understanding. So, why not God consciousness? Actually, what is the meaning or literal meaning of the word God? Can anybody tell? What is the literal meaning of the word God? How did this word originate? Okay, let's talk about the literal meaning of Krishna. Can anybody tell the meaning of Krishna? What is the literal meaning of Krishna? All attractive. Yes, all attractive. Correct. So we have a literal meaning of word Krishna, which means all attractive. And this is the perfect name which fits God. Right? God's name, Bhagwan ke jo itne bhi naam hote hain, wo visheshan hote hain. Right? Visheshta batate hain. They are not just nouns, but actually they are visheshan. तो वो भगवान की सारी विशेषता बताते हैं. कृष्णा वर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो. क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि भगवान की क्या ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं. एक्चुअली हम किसी चीज में भी कुछ भी अट्रैक्टिव अगर देख रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली द स्मॉल स्पार्क ऑफ
कृष्णा और गॉड. तो इसलिए जो सबसे अप्रोप्रिएट नाम है भगवान का, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कृष्णा. इसलिए क्योंकि भगवान आकर्षित करते हैं. अगर एक बार ही भगवान हमें पूरी तरीके से आकर्षित कर लेते हैं, फिर कोई भी दूसरी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. हमारे सेंसेस को या माइंड को कोई दूसरी चीज लेके नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान इतने आकर्षित करने वाले. जैसे एक बार क्या होता है, एक एक साउथ इंडिया में एक परेड चल रही थी, भगवान की लेके जा रहे थे वो बालाजी का टेम्पल में. तो कई समझ लो आप ऑलमोस्ट 1000 साल पहले की बात. और वहां पे परेड में सब लोग भगवान के सेवा में लगे हुए थे. कोई पंखा कर रहा था, कोई लेके जा रहा था भगवान को. तो उसी बीच में एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, वो छाता लेके एक लेडी के ऊपर छाता लेके चल रहा था और लेडी की तरफ ही बस देखता जा रहा था. तो वहां पे जो उस वक्त के हेड थे वहां पे, उनकी नजर गई उस पे. उनका नाम था रामानुजाचार्य. तो रामानुजाचार्य ने कहा, ये एक व्यक्ति जो है ये किस तरीके से चल रहा है. देखो, भगवान को सेंटर बनाने की जगह ये किसी लेडी के ऊपर ऐसे छाता लेके चल रहा है, उसको कवर करके, और उसकी तरफ देखता जा रहा है. भगवान की तरफ बिल्कुल देख भी नहीं रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको. तो उन्होंने भेजा उसको कि जरा पता करो क्या हो रहा है. तो उसको बोला कि भाई आपको बुला रहे हैं वो स्वामी जी. रामानुजाचार्य वो हाईएस्ट लेवल पे थे वहां पे उस वक्त. रामानुजाचार्य तो उनके पास ये लेके वो ठीक है आ गया. वो उसने कहा, आप ऐसे कैसे चल रहे हो, आप भगवान के बिल्कुल आप अटेंशन नहीं दे रहे और इधर छाता लेके. कहते ये जो लड़की है ना, इसकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि कैसे मैं अपनी नजरें हटाऊं इस आंखों से, मैं हटा ही नहीं सकता. अच्छा सुबह ना आप नहा धो के आ जाना, मैं आपको इससे सुंदर अगर आंखें दिखा दूं. फिर उन्होंने कहा, अगर इससे सुंदर मुझे आप किसी की आंखें दिखा दो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी समर्पण कर दूंगा उस वक्त उस पे जिसकी सबसे सुंदर आंखें. ठीक है, कल सुबह आ जाना. तो सुबह आए वो नहा धो के फर्स्ट क्लास, और उन्होंने भगवान के सामने लेके गए उनको. और भगवान के सामने उन्होंने भगवान के जब दर्शन कराए, ऑफकोर्स रामानुजाचार्य तो इनकारनेशन है लक्ष्मण जी की, शेषनाग की. और जो तिरुपति टेम्पल है, जो श्रीरंगम टेम्पल है साउथ इंडिया में, ये सब रामानुजाचार्य के अनुयायी चला रहे हैं इसको, डिसाइपल चला. तो जब उसने, उस व्यक्ति का नाम था धनुर्दास, जब उस व्यक्ति ने देखा तो उसके बाद उसने अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर दी. रामानुजाचार्य ने उनकी मैरिज करवाई दोनों की, जो लेडी थी और इसकी, और उसके बाद भगवान की सेवा में उन्होंने पूरा अपना लाइफ लगा दी. तो कहने का मतलब है, भगवान से ज्यादा आकर्षित कोई करने वाला नहीं है. इसलिए कृष्णा जो नाम है वो सबसे ज्यादा सही नाम है भगवान का. और बाकी भी जो भगवान के नाम हम यूज करते हैं वो भगवान के नाम विशेषण होते हैं. अब गॉड जो वर्ड है वो बड़ा वेग भी है. जैसे गॉड पार्टिकल आ गया है, आप लोगों ने सुना होगा, उसका कोई कनेक्शन नहीं है गॉड से, लेकिन वो गॉड पार्टिकल को गॉड मान लेंगे लोग. फिर एक है गॉड, लोग कहते हैं हम गॉड हैं, मैं हूं गॉड. बड़े वेग आइडियाज हैं लोग. सो प्रभुपाद वॉज वेरी क्लियर जब उन्होंने स्टार्ट किया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने कहा कृष्णा इज गॉड, इसलिए हम वही यूज करेंगे वर्ड. अच्छा, दूसरी बात है, जो भी हो रहा है ना, ये कई रीजन की वजह से हो रहा है, ये एक रीजन की वजह से नहीं हो रहा. जो आपको लोग आके बोलते हैं ऐसे, सब लोग तो नहीं बोलते. जैसे कई लोग ऐसे हैं वो बिल्कुल नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कृष्णा कॉन्शियस यूज करो या गॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. लेकिन कई लोगों को पड़ता है. क्यों? क्योंकि अंदर से देयर इज सम एनवियसनेस. ऐसे लोग हैं जिनको, जो टॉलरेट नहीं कर सकते कृष्णा का नाम. क्यों? क्योंकि उनके, उन्होंने, उनके कर्म और उनका ऐसा सिचुएशन है. जैसे आप लोगों को याद होगा, जब नारद मुनि गए थे और वाल्मीकि को बोला उन्होंने तो कि आप ये सब गलत चीजें छोड़ो, शिकार वगैरह करना छोड़ो और आप नाम लो किसका. उन्होंने राम का नाम नहीं दिया उनको, उनको मरा का नाम दिया. क्योंकि राम के नाम से उसको कोई अट्रैक्शन नहीं था, इतने पाप कर रखे थे उसने कि अट्रैक्शन क्या, वो बोल भी नहीं पा रहा था. तो जैसे जैसे हमारी स्थिति होती है ना, कि जब हम बिल्कुल एनवियस होते हैं तो हम कृष्णा का नाम टॉलरेट नहीं कर सकते.
इसीलिए कई जगह हम मायावादी जो सेक्शन हम पढ़ते हैं कि भाई मायावादी से थोड़ा हमारे को केयरफुल रहना चाहिए, मायावादी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डेट्रीमेंटल है, वो इसीलिए है क्योंकि मायावादी एनवियस होते हैं कृष्णा से। तो ये जो हमारे पहले के कर्मा है, सिंस है, मायावाद का इन्फ्लुएंस है, इन सब से हम एनवियस हो जाते हैं कृष्ण। तो एनवियस की एनवियसनेस की वजह से कई लोग इस चीज को ले नहीं पाते, तो हमें भगवान से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो अपनी सुइच्छा से आना चाहे वेलकम, जो नहीं आना चाहे उसको हम प्रसाद दे सकते हैं, उसको हम दूसरी चीजें जो इंटरेस्टेड है उसमें लगा सकते हैं, कोई कीर्तन भजन दे सकते हैं जो जिसके साथ वो कनेक्ट हो जाए। जैसे कई सारे भजन है, जैसे भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद, ये हमारा माइंड के ऊपर है ये भजन, कि कैसे माइंड जो इधर उधर जाता रहता है उसको माइंड को हम बोल रहे हैं कि भज हुरे। तो ऐसे कई सारे हैं जो इनडायरेक्ट वेज हैं, अगर वो किसी चीज में कनेक्ट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई दवाई नहीं लेना चाहता अपनी बीमारी के लिए तो उसकी बीमारी तो प्रोग्रेस होगी ना। जैसे कई सारे पेशेंट हैं वो कहते हैं नहीं हमारे को ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, वो सोचते हैं वो फाइव स्टार होटल में आए हैं, वो हैं हॉस्पिटल में लेकिन वो फाइव उनको दवाई भी नहीं लेनी, उनको कहते हैं कि भाई आप अगर एक ही पोजिशन में रहोगे तो आपको पीछे अल्सर हो जाएंगे, थोड़ा मूव करते रहो, नहीं मूव भी नहीं करना उनको, दवाई भी नहीं लेनी मूव भी नहीं करना, और उनके इतने सारे रीजन उनको नहीं अच्छा लग रहा मूड नहीं है बस। तो ये अमेरिका में तो ऐसे होता है, इंडिया में तो निकाल देंगे डॉक्टर्स, लेकिन अमेरिका में ऐसे कुछ नहीं करते, अमेरिका में बैठा रहता है पेशेंट। तो ऐसे कई सारे मरीज होते हैं जिनको दवाई नहीं खानी लेकिन फिर भी ठीक होना है और मुश्किल हो जाता है ठीक होना, ऐसे लोग चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे को एक व्यक्ति की वजह से बहुत ज्यादा ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए कि शायद हम चेंज कर देते तो अच्छा होता, क्योंकि चेंज करने का मतलब काफी डाइल्यूट भी हो जाता है हिसाब किताब, हर कोई कुछ भी अपनी धारणा बना के वो कहता कि ये सही है वो सही है, भगवत गीता का पूरा मकसद डाइल्यूट हो जाता है। भगवत गीता में से लोगों ने कृष्णा को निकाल के बड़ी सारी कॉपीज बनाई है, अगर आप देखो कई ऐसी भगवत गीता के आपको बुक्स मिलेंगे जिसमें कृष्णा हार्डली कहीं यूज हुआ है, ज्यादा कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो उसको नलिफाई करने के लिए प्रभुपाद की भगवत गीता में कृष्णा जो है उसको सेंटर बनाया गया है, क्योंकि कृष्णा को अगर हम सेंटर बनाएंगे तो उससे जो है सारे की सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और ये भगवत गीता और शास्त्रों में से ही है, आने वाले टाइम में हम और डिस्कस करेंगे कौन कौन से श्लोक से आपको पता लग सकता है ये चीज। तो अभी तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई विल स्टॉप हियर। तो माता जी डज इट आंसर योर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Okay, great. Anybody else wants to add to this? Natasha Mataji, Nirve Prabhu, anybody else wants to add any points to the question she asked? But जैसे आपने बोला at the end of the day देखा जाए तो सब एक ही है, but it's just a name ना, चाहे राम हो। हाँ तो देखो सबसे important चीज ये है कि जब हम भगवत गीता पढ़ने हैं ना, हम भगवत गीता के through अपने आप को चलाएंगे तो वो बेस्ट रहेगा। राम और कृष्ण दे आर वन, हमारे कितने सारे इस्कॉन में राम के टेम्पल हैं, कितने सारे टेम्पल्स हैं जो जिसमें अलग अलग फॉर्म्स होते हैं भगवान के, है कि नहीं, नरसिंह अवतार टेम्पल होते हैं, तो वो सब तो टेम्पल्स होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ निर्भय प्रभु प्लीज गो अहेड। प्रभु जी आई जस्ट वांटेड टू ऐड, जैसे आपने बोला बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, आई थिंक वन पार्ट ऑफ इट जो कि अभी भी क्वेश्चन आई थिंक डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर, इट्स इट मे बी बिकॉज ऑफ कि इज कृष्णा स्टिल द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एंड देर आर सो मेनी, जैसे आपने कहा कि रेफरेंसेज फ्रॉम द शास्त्रास विच टेल अस दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वासुदेव सर्वमिति, एंड वो जैसे आपने कहा कि और डिस्कस किए जा सकते हैं, बट आपका जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का जो जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के लेक्चर्स हैं, चाहे लोग यूट्यूब पे अगर देखना चाहें बाय किनके, नहीं प्रभु जी के, आपके भी हैं और राधा गोपीनाथ महाराज के हैं, सो दोज आर रियली नाइस टू क्लेरिफाई दीज डाउट्स, बिकॉज़ उसमें एक्सप्लेन्ड है कि क्या डिफरेंट डेमीगॉड्स की क्या सिचुएशन है, और भगवद गीता में भी एक्चुअली मेंशन है आगे, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे
कि डेमीगॉड्स की क्या क्या सिचुएशन है, कौन कौन डेमीगॉड्स हैं, हू इज लॉर्ड शिवा, एंड ये भी सारे अच्छे से एक्सप्लेन है. तो यू नो आई थिंक इफ वी कंटिन्यू विद द प्रोसेस दीज आंसर्स विल कम एज वी कंटिन्यू इन द प्रोसेस दे विल बी एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता और फ्रॉम अदर स्क्रिप्चर्स एंड this will become more clear, but we have to continue with the process to get to the higher understanding, to get to that understanding jahan pe wo explained hai. Matlab jaise jab 2+2=4 sikhaya ja raha hai to tab koi fifth class wala question puche to teacher will say ki abhi ruk jao wo aayega abhi. So there's no point in going to integers abhi at this level, it will come, but agar abhi sari cheeze hi samjhai jaye so तो वो पॉसिबल नहीं है. तो बट यू हैव टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस, यू नीड टू जस्ट हैव फेथ इन द प्रोसेस एंड कंटिन्यू एंड दोज आंसर्स आर कमिंग. सो जैसे वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, इट इज कमिंग. थैंक यू प्रभु, थैंक यू, वेरी नाइस. ओके ग्रेट, सो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. ओके एनी फाइनल वर्ड्स, अदरवाइज वी विल एंड इट हियर. Okay, thank you all the devotees. Thank you for joining. We'll get together tomorrow. Bhagavad Gita ki jai, Shri Prabhupada. Okay.